हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेट लैब टेक टिप्स। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं AMD के न्यूली लॉन्च ग्राफिक ड्राइवर्स के बारे में। एग्जिस्टिंग ग्राफिक कार्ड यूजर्स के लिए क्या क्या बेटर परफॉर्मेंसेस आपको इस ड्राइवर अपडेट में देखने को मिल जाएंगी। एंड नेक्स्ट हम लोग कवर करने वाले हैं AMD के ही Ryzen 7000 सीरीज के प्रोसेसर्स कि वो एक्चुअली में कितने ज्यादा हॉट रनिंग प्रोसेसर्स हैं, उनकी एग्जिस्टिंग 5000 सीरीज से कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया है उनकी वॉटेज के अंदर। और लास्टली हम लोग बात करने वाले हैं AMD के 7000 सीरीज के लॉन्च डेट्स के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा नियर है। अब जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं हूं रजत द्विवेदी और आप लोग देख रहे हैं जेट लैब टेक। बढ़ने से पहले लेट्स टॉक अबाउट द स्पॉन्सर्स। सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय jetlabtechnologies.com। इस वेबसाइट पर आपको पीसी और उसके कंपोनेंट्स रिलेटेड सारे के सारे इक्विपमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। चाहे आप एक पीसी बिल्ड करना चाहते हैं या फिर अलग से कोई कंपोनेंट लेना चाहते हैं, आप इस वेबसाइट से इजीली बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ईएमआई ऑप्शन से लेकर क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड ईएमआई सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग भी अपने लिए कोई विंडोज की लाइसेंस की लेने की सोच रहे हो तो आप ये वेबसाइट जरूर चेकआउट कर सकते हैं। windowskeys.in पर विंडोज 10 और विंडोज 11 की प्रो लाइसेंस रिटेल कीज देखने को मिल जाती है, जो मार्केट रेट से काफी ज्यादा एग्रेसिव प्राइसिंग पर देखने को मिलेंगी। एंड इसके अलावा आप UPI के थ्रू भी पेमेंट्स कर सकते हैं। इजिली पेमेंट करने के बाद आपको आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर सारी की सारी लाइसेंस कीज देखने को मिल जाएंगी। रिसेंटली ही अभी AMD का एक नया ड्राइवर लॉन्च हुआ है और जितने भी AMD के ग्राफिक कार्ड यूजर्स हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको मैसिव परफॉर्मेंस गेन्स मिलने वाली है विद दिस ड्राइवर अपडेट। कुछ नंबर्स की बात करें तो मोर देन 90% परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिलेगा जितने भी AMD ग्राफिक कार्ड यूजर्स हैं एज सून एज दे इंस्टॉल दिस ड्राइवर अपडेट। दिस सीरीज अपडेट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो AMD एक्चुअली में नहीं लेके आया है विद दिस ड्राइवर अपडेट, बट जो मेजर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है वो है AMD का नॉइस सप्रेशन। जो लोग NVIDIA को यूज करते आ रहे हैं उन लोग को पता होगा कि जैसे NVIDIA के कार्ड्स में RTX नॉइस सप्रेशन होता है, वैसा ही AMD अब अपना AMD नॉइस सप्रेशन लेकर आया है, जिसमें कि एक्चुअली में जो बैकग्राउंड नॉइजेस हैं वो अब खत्म हो जाएंगी बाय यूजिंग डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स बाय दिस ड्राइवर अपडेट। ये अपडेट आपको कहां पर मिलेगा? जो भी लोग AMD के ग्राफिक कार्ड्स यूज करते हैं वो AMD का एड्रेनलिन सॉफ्टवेयर तो यूज कर ही रहे होंगे। तो आप अपने एड्रेनलिन सॉफ्टवेयर में जाके सेटिंग्स के अंदर ऑडियो वीडियो टैब के अंदर जाकर इजिली इस फीचर को ऑन कर सकते हैं। हालांकि जो भी लोग AMD के 6000 सीरीज से पुराने ग्राफिक कार्ड्स यूज कर रहे हैं उनके लिए अभी अपडेट ये नहीं है। जितने लोग 6000 सीरीज एंड उसके आगे ग्राफिक कार्ड यूज करेंगे या कर रहे हैं उनके लिए ड्राइवर अपडेट बिल्कुल परफेक्ट है। अगर परफॉर्मेंस बूस्ट की बात करें तो AMD ने ऑफिशियली जितने भी ओपन जीएल बेस्ड गेम्स हैं उसके अंदर ही ये परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिलेगा। ताकि AMD ने जो नंबर्स शेयर किए हैं वो सिर्फ माइनक्राफ्ट गेम के किए हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली कुछ ना कुछ गेन तो आपको ओपन जीएल की बाकी सब गेम्स में भी देखने को मिल ही जाएगा। अब अगर बात करें सिर्फ माइनक्राफ्ट के अंदर क्या क्या गेम्स देखने को मिलेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ दिस ड्राइवर अपडेट, तो वो कुछ ऐसे हैं। इस अपडेट के बाद जेन्युइनली अगर आप AMD Radeon 6600 XT ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हो तो आपको इसमें 92% का गेन देखने को मिलेगा स्ट्रेट अवे इन द फ्रेम्स पर सेकेंड। अगर आप 6950 XT यूज कर रहे हो तो उसमें आपको 89% FPS गेन देखने को मिलेगा। एंड लास्टली अगर 6750 XT यूज कर रहे हो तो उसमें अगेन 90% का FPS गेन देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें बाकी ग्राफिक कार्ड्स के बारे में नहीं बताया, बट ऑब्वियसली जब इन कार्ड्स में इतना गेन मिल रहा है तो 80-85% के करीब तो आपको 6600 या 6500 जैसे ग्राफिक कार्ड्स में भी इजिली वो गेन देखने को मिलेगा एज फार एज जस्ट माइनक्राफ्ट इज कंसर्न। हालांकि जितने भी ओपन जीएल बेस्ड गेम्स आप लोग खेलते हो उसमें से हो सकता है माइनक्राफ्ट ना हो, उसके अलावा भी कोई और गेम्स हो, तो उसमें भी कुछ ना कुछ बेटरमेंट ही देखने को मिलेगी आफ्टर दिस ड्राइवर अपडेट। अगर सिर्फ माइनक्राफ्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट 2 times बेटर FPS या बेटर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी आफ्टर जस्ट अ ड्राइवर अपडेट। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑनलाइन जाकर अपना एड्रेनलिन सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, वो ऑटोमेटिकली आपकी सारी गेम्स में बेटर परफॉर्मेंस आनी शुरू हो जाएंगी। सो कुछ नया खरीदना नहीं है, दैट इज एग्जैक्टली वॉट We as users want कि सिर्फ लेने की बात नहीं है ग्राफिक कार्ड्स, लेने के बाद भी जो ड्राइवर अपडेट्स आते हैं उसमें हमें कुछ ना कुछ बेटर परफॉर्मेंसेस मिलनी चाहिए। एंड फॉर दिस इट इज अ बिग कूडोज टू AMD। तो अब अगर AMD के ग्राफिक कार्ड्स की बात चल ही रही है एंड AMD एक्चुअली में अब काफी ज्यादा बेटर एंड एग्रेसिव प्राइसिंग पर मिलना शुरू हो गया है, AMD इंडिया के इंस्टाग्राम पेज पर रिसेंटली 25 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक की एक मेगा सेल अनाउंस करी है। मतलब कि AMD के जितने भी Ryzen प्रोसेसर्स हैं एंड Radeon ग्राफिक कार्ड्स हैं
उन सब पर कुछ ना कुछ बेटर डील्स एंड ऑफर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि अगर मैं कुछ हिंट्स देना चाहूं तो Ryzen 9 5900X जैसा प्रोसेसर अराउंड 35,000 की रेंज में आपको मिल सकता है एंड 6500 XT जैसे ग्राफिक कार्ड 18,000-18,500 की रेंज तक आ जाएंगे। एंड अगर बात करें थोड़े ऊपर वाले ग्राफिक कार्ड की जैसे 6600 XT या 6600 इनफैक्ट, तो RX 6600 आपको 26,000-27,000 की रेंज में मिल जाएगा एंड 6600 XT 32,000-33,000 की रेंज में इजिली देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ अगर प्रीमियम मॉडल्स में जाएंगे तो 37-38 तक भी आपको इजिली 6600 XT मिल सकता है। ये तो हम लोगों ने बात कर ली AMD के बारे में कुछ अच्छी चीजें जो एक्चुअली में अप्रिशिएबल है और मौका मिलने पर हम अप्रिशिएट कर भी देते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट समथिंग बेटर राइट नाउ। तो गाइस रिसेंटली ही AMD की 7000 सीरीज के बारे में काफी ज्यादा स्पेकुलेशंस, लीक्स एंड सब कुछ चल रहा था और हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो बनाई थी अपनी कि 13 जनरेशन कितनी हॉट रनिंग होने वाली है, एग्जिस्टिंग 12 जनरेशन से भी और ज्यादा हॉट रनिंग प्रोसेसर्स वो होने वाले हैं, तो हमने सोचा कि AMD के ऊपर भी एक बार नजर लगा ही लेते हैं कि जो 7000 सीरीज आ रही है वो एक्चुअली में कितनी गर्म होने वाली है। कि ऐसा तो नहीं सिर्फ इंटेल ही ऐसा है जो अलग से प्रोसेसर्स बना रहा है जो कोर काउंट और बूस्ट क्लॉक स्पीड के बेसिस पर अपने प्रोसेसर्स को बहुत ज्यादा गर्म कर रहा है। तो हम लोगों ने जब जांच पड़ताल करी तो उसके बाद हमें पता चला कि AMD प्रोसेसर्स एक्चुअली उतने ही ज्यादा गर्म होने वाले हैं जितने आपके Intel 13 जनरेशन के प्रोसेसर्स होंगे। अगर हम बात करें AMD के 7000 सीरीज में Ryzen 9 प्रोसेसर्स की, ये कुछ लीक्स हमें देखने को मिले हैं। ये जो लीक आ रहा है ये बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी लीकर ऑन ट्विटर कोपाइलट 7 मिनी जो एक्चुअली में काफी ज्यादा फेमस भी है AMD लीक्स के लिए, उसने बताया कि AMD के जो Ryzen 9 प्रोसेसर्स हैं इन द 7000 सीरीज वो अराउंड 170 वॉट तक के होने वाले हैं। अब जिनको नहीं पता कि 170 वॉट एक्चुअली ज्यादा है या कम है तो मैं उनको बता देता हूं कि करंटली जो 5000 सीरीज है AMD की उसके Ryzen 9 प्रोसेसर्स, इनफैक्ट अगर Ryzen 9 5950X की भी बात कर लूं तो उसका हाईएस्ट TDP लेवल 105 वॉट ही है। तो अब आप उससे सोच लीजिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 105 वॉट प्रोसेसर एंड 170 वॉट प्रोसेसर, इसमें आपको 62% इंक्रीज देखने को मिल रहा है अगर वॉटेज की बात करें तो। अब जितना ज्यादा वॉटेज आपका प्रोसेसर लेगा उतना ही ज्यादा गर्म होगा और आपको उसको उतना ही ज्यादा ठंडा रखने के लिए महंगे इक्विपमेंट्स लेने पड़ेंगे, उस वॉटेज पे चलाने के लिए उस प्रोसेसर को आपको उतने ही हैवी पावर सप्लाईज भी लेने पड़ेंगे। सो एट द एंड ऑफ द डे आपका पूरा जो सेटअप है सिर्फ प्रोसेसर्स ही नहीं, आपके ग्राफिक कार्ड भी जो आने वाले हैं वो भी बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज वाले होने वाले हैं। तो आपकी जो एग्जिस्टिंग पावर सप्लाईज हैं उनको तो आप भूल जाओ, वो तो ये लोड कभी भी नहीं ले पाएंगी, आपको नई पावर सप्लाईज लेनी पड़ेंगी, आपको नया कूलिंग सेटअप भी लेना पड़ेगा जिसमें एक्चुअली में एक्स्ट्रा एक्सपेंस होगा और आने वाले टाइम में पीसी बिल्ड करना किसी भी तरह से सस्ता अफेयर तो नहीं होने वाला। अगर हमारे नए प्रोसेसर्स की बात चली रही है तो लेट्स टॉक अबाउट कि ये एक्चुअली में लॉन्च कब होने वाले हैं। वैसे तो बहुत सारे रूमर्स और बहुत सारे लीक्स के अंदर ये पता चल रहा था कि अराउंड 15 सितंबर के करीब AMD अपना 7000 सीरीज को लॉन्च करेगा, बट रिसेंटली ही AMD की एक नोटिफिकेशन के अंदर बिल्कुल ही सिनेरियो चेंज सा लग रहा है। न्यूज आ रही है वीडियो कार्ड्स की तरफ से जहां पर उन्होंने बताया कि AMD ने 5th अगस्त को अपना एक इवेंट रखा है जहां पर वो एक्चुअली में अपने मदरबोर्ड पार्टनर्स के साथ मिलकर एक इवेंट करेंगे जहां पर वो अपकमिंग 670E मदरबोर्ड्स को शोकेस करेंगे और जितने भी एंथुजियास्ट लोग हैं या जो PC टेक इंडस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए एक ऑफिशियल शोकेस होगा कि X670 मदरबोर्ड्स में क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो जितने भी ये ब्रांड्स हैं ASUS हो गया, MSI, ASRock, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बट जो मेजर कैच है इस सबके बीच में वो है इस इवेंट की डिस्क्रिप्शन। यहां पर AMD ने बोला कि quoting the recent launch of AMD 7000 series processor कि इसके हिसाब से जब ये 5 अगस्त को जब ये इवेंट होगा हो सकता है कि इससे पहले ही AMD के प्रोसेसर्स लॉन्च हो जाए, बट दिस कैन बी अ मेजर रीजन ऑफ चॉइस ऑफ वर्ड्स आल्सो, हो सकता है कि जिसने डिस्क्रिप्शन बनाई है उसके लिए वर्ड्स चूज करने में गलती होगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेजर एंड बहुत सारे ऐसे मतलब ट्रस्टवर्दी लीकर्स हैं जिन लोगों ने बताया कि 15 सितंबर से पहले एक्चुअली में AMD के प्रोसेसर्स लॉन्च नहीं हो सकते। बट ये जो एक नई नोटिफिकेशन आई है इसके बाद थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है, बट हमारा क्या जा रहा है तो एक हफ्ता एक्चुअली में देख सकते हैं कि जब ये प्रोसेसर्स एक्चुअली में लॉन्च होंगे कि नहीं एंड जब ये मदरबोर्ड भी लॉन्च होंगे तो उससे भी हमें बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेंगी। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट वेट टिल 5th अगस्त,
देखते हैं कुछ नया आता है कि नहीं। यूजुअली इन सब इवेंट्स के बाद ही सारे के सारे प्रोसेसर्स लॉन्च होते हैं। अब ये तो टाइम ही बताएगा कि एक्चुअली में क्या क्या डेवलपमेंट्स होंगी। बट आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं रजत द्विवेदी, आप लोग देख रहे हैं जेट लैब टैक्टिक्स। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो।